कोरिया जिले में प्रदेशाध्यक्ष, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प बोल्डर संघ के आह्वान पर उप पंजीयन कार्यालय के दस्तावेज लेखक और स्टाम्प बोल्डर संघ के सदस्य 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि शासन के द्वारा सुगम एप्स की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कार्यालय में संपूर्ण कार्य पेपरलेस कैशलेस हो जाएगा, जिसके विरोध में संघ के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। इसके तहत ही संघ के सदस्य हरीश पांडे ने बताया कि हम लोग वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुगम एप्स लागू किया गया है, जिससे पक्षकारों को भी परेशानी होगी और इस सुगम एप्स के आ जाने से हम लोगों को भी परेशानी होगी, साथ ही शासन को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और अगर इसके बाद भी हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वैसा आगे हम लोग करेंगे। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मामला बताइएगा। हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष, दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता संघ के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं। हड़ताल का अपना मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी दस्तावेज पंजीयन में सुगम ऐप लागू किया गया है, जिससे क्या है कि पक्षकारों को भी अत्यधिक परेशानी होगी और दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं को भी इसको लेकर परेशानी होगी, और ऐसा अंदेशा है कि निकट भविष्य में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की यह मंशा है कि भविष्य में पेपरलेस कैशलेस और फेसलेस किया जाएगा। तो इतने वर्षों से जो दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता इस कार्यों में कार्यरत हैं, उनके सामने मतलब रोजी रोटी का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।